9 मई के वाकयात रियासत को कमजोर करने की कोशिश थी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की वफाकी काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है, मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इकदामात करेंगे। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास तजर्बेकार टीम है, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का कहे हम तैयार हैं। निगरान वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी काबीना इजलास के बाद ब्रीफ है, कहा कि इलेक्शन 90 रोज में हो या फरवरी में हमारी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। इलेक्शन में फरीक का किरदार अदा नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन के दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी, साबिका सियासी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मुआवनत करना है, किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरा वजीर आला सिंह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाजे कर दिया। मजारे कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा कि अभी से इलेक्शन अल्तवा के खदशात क्यों पाले, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए लेकिन नेक नीयत होना चाहिए, आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वजीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वजीर आला से उनके ओहदे का हल्फ लिया। होल न्यूज़ ने 4 रोज़ पहले ही खबर नशर की थी। निगरान वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहला इकदाम सूबे की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की रियायत का ऐलान। दहशतगर्दी और संगीन जराय में मुलव्वस मुजरमों पर इतलाक नहीं होगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुलगीर एहतजाज, मुजाहरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, मजीद महंगाई हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी, हुकूमत आवाम को रिलीफ थे। खैरपुर में 10 साल फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पिकट कायम, मुबैना तशद्दुद से जांबहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कंडियारों को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। कराची में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई, बलूचिस्तान से आने वाली 2 मुसाफिर बसों से 247 से ज्यादा छालिया की बोरियां बरामद, 4 ट्रांसपोर्टर्स गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हब रिवर रोड पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहरीन को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। कहना था कि बरामद नॉन कस्टम छालिया की मालियत 20 लाख रुपए से जायद है। मुलजमान के खिलाफ थाना शेरशाह और साइट बी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कहीं छीना झपटी तो कहीं कत्लो गारत की वारदात, कराची में जराइम की शरह कम ना हो सकी। लियाकताबाद में उमरे से आने वालों से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गुलशन हदीद में 2 खवातीन से लूटमार, मलीर गुलशन रोमी के करीब झाड़ियों से 1 शख्स की लाश बरामद हुई, मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया। गुलशन इकबाल नीपा पुल नागिन चुरंगी और अंगी टाउन में डकैती मजाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। और लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाला पुलिस अहलकार पागल करार, पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। अहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। मौसू को 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी जिसके बाद वो नॉर्मल नहीं रहा था। बीमारी के 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। सहाफती उसूलों पर कारबंद, होल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
गोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात गोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, गोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।